का अर्थ दो होता है, दो से होने वाला दो, ये गुजराती शब्द है। तो वे बेले बेले तप की साधना करते थे, प्राकृत में तो छठंग छठिनंग कहते हैं इसको, कि जो इस प्रकार तप आराधना करते थे। और इनकी आराधना समय विशेष के लिए नहीं, निरंतर चलती रहती थी। जो बेले बेले तप किया करते थे, अनिखितेनं तवो कम्मेणम, जिनका चित्त हमेशा शांत और सहज रहता था, उसमें कभी विघ्न नहीं होता था किसी भी प्रकार का। और चित्त के विघ्न क्या होते हैं? अहंकार का आ जाना चित्त का विघ्न है। भीतर में अहंकार आ जाए, मैं इतना बड़ा तपस्वी, ये विघ्न है। क्रोध का जाना, ये चित्त में विघ्न है। माया और लोभ का जाना, ये चित्त में विघ्न है। ऐसा कोई विघ्न जिनके चित्त में भावों मंत्र में कभी आता ही नहीं था, तवो कमीणं तप कर्म से, तप आराधना से, संयमीणं संयम की आराधना करते थे। इस तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावे माने भी रही भावित करते हुए रहते थे। भावित करना कहते हैं, कोई चीज कण कण में चली जाए उसे कहते हैं भावित करना। जैसे कोई वस्त्र है, उस वस्त्र को कोई व्यक्ति रंगने लगता है। एक तो ठीक है, रंग घोला, पानी में डुबोया, निचोड़ा, सुखा दिया, सूखने के बाद देखा कहीं सफेद सा रह गया, कहीं रंग आ गया, कहीं थोड़ा सा सफेदी सी चमक गई, कहीं बहुत गहरा सा हो गया, बात बनी नहीं। उसके एक एक जो कण है, उस वस्त्र का एक एक जो रेशा है, उस रेशे में वह रंग पहुंच जाए उसे भावित होना कहते हैं। जिनका अंतर, जिनका मन, जिनका जीवन इस तप के द्वारा ऐसे भावित था, पूरी तरह से जो रंगा हुआ था, ऐसे गौतम स्वामी अपनी तप आराधना करते हुए भगवान महावीर के चरणों में रहा करते थे। और एक बार प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के, बोलो गणधर गौतम स्वामी के। ऐसे गौतम स्वामी, गौतम स्वामी की जीवन प्रसंग और कहानियां आप सुनते रहे, कुछ मैंने भी कही है और भी बहुत सारी बातें हैं, पर भगवती सूत्र में कुछ आगे चलते हैं। तो यहां कहा गया, तैणं भगवं गोई में जाए सड्ढे, जाए संशय, जाए कोहले। वे गौतम स्वामी एक बार भगवान महावीर से कुछ दूरी पर, न तो बहुत दूरी पर और न बहुत ही समीप, थोड़ी सी बात वैसे कर लो आपसे, ये दूरी नजदीक का मामला क्या, ये विवेक है गौतम स्वामी के लिए, तो वो तो परम, उनके लिए तो क्या कहें। मैं तो अपने श्रावकों से थोड़ी सी बात कर रहा हूं, कभी कभी कई श्रावक इतने भावनात्मकता में इतने हो जाते हैं, गोटे से गोटा अड़ा दे, हुई नहीं ना बात कुछ, ये आचार नहीं हुआ, ये श्रावक का विवेक नहीं हुआ। कई बार तो कहोगे आप भी ऐसी बातें महसूस करते, महसूस नहीं, ज्ञान की दृष्टि से बता रहा हूं। इतने पास बैठ गए, मुंह की हवा भी टकराने लगे, और चाहे कपड़ा लगाओ, कई को तो इसका भी विवेक नहीं होता, मनमाना छीटा ही पड़ जाए, इतना नजदीक नहीं बैठना चाहिए। इसका तो बहुत विचार है, साधु का वग्रह होता है, उससे बाहर बैठना चाहिए, जिसको हम औरा कहते हैं उसके बाहर बैठना चाहिए, बिल्कुल समेत तो बैठना ही नहीं चाहिए। इसकी एक और बात भी है जिसको व्यवहारिक पहलू कहते हैं, एक आदमी मर के बैठ गया, दूसरा वंदना कहां से करेगा, उसका तो रास्ता बंद हो गया। विवेक से बैठो, नजदीक तो बैठो पर इतना नजदीक नहीं जिससे साधु को भी दिक्कत हो, आने वाले को भी दिक्कत हो, थोड़ा सा दूर बैठो, थोड़ा सा अलग हट करके बैठो, आने वाला कोई और व्यक्ति हो वो भी वंदना कर सके, और आप भी जो बैठे हैं आपका श्वास प्रसार
टकराए नहीं, कोई छींटा लगे नहीं, कुछ ऐसा अत्यंत निकट न हो, थोड़ा दूर बैठो, इतनी दूरी बना करके रखनी चाहिए। और इसको आप शिकायत ना सोचना, कभी सोचो महाराज जी ने तक बहाना मिला और आज कोई बोली मार दी, ऐसा कुछ नहीं है। बात ज्ञान के बता रहा हूं, विवेक की, विवेक यह होता है। और ना ही दूर और वहां बैठ गए। आप भी देखते साधु लोग भी तरह तरह के आते हैं और साधु भी देखते श्राक भी तरह तरह के होते। एक जगह के भाई थे, वो बैठा करते दूर। एक दिन मैंने पूछा क्या हुआ, बोले जी वहां हवा आती है खिड़की है वहां पर, और आगे चे हो कोई ना हो उनके अपनी जगह, इतनी दूर भी मत बैठो और बंद हुआ इतना अड़के भी मत बैठो, कुछ दूरी पर बैठो ताकि किसी को सुविधा भी ना हो और किसी को दिक्कत भी ना हो, और फिर अगर कुछ पूछना तो पूछा भी आ सके। ऐसी स्थिति बना करके बैठो। गौतम स्वामी भगवान से न अत्यंत पास बैठते थे और न अत्यंत दूर बैठा करते थे, कुछ दूरी पर बैठा करते। आप कहोगे इससे बात क्या निकली, बात क्या निकली, आचार पता चला इस बात से, और आचार का ज्ञान होना ज्ञान है, यह है, यह अपना में एक विधि है, इसका पता चला इस बात से कि तरीका क्या होता है गुरु के पास बैठने का, और वो तो भगवान के पास बैठते थे, इसका क्या तरीका, इसका तरीका यह होता है जैसे कि वो बैठा करते थे। इस तरह से गौतम स्वामी भगवान से कुछ थोड़ी सी दूरी के ऊपर बैठे थे, और फिर जान को ठो गए। वे वहां बैठे हुए इधर उधर उनका चित्त भ्रमित कहीं ऐसा नहीं था, वे अपने ध्यान कोष्ठक में उतरे हुए थे, अपने भीतर की गहराई में कोई चिंतन, कोई विचार, कोई मनन उनके भीतर में चल रहा था। उसमें वे जान कोष्ठोपगत है, ध्यान कोष्ठक में वे उतरे हुए कुछ विचार और कुछ चिंतन कर रहे थे। उस विचार और चिंतन करते हुए उनके भीतर में जाए सड्ढे, जाए संशय, जाए कोहल्ले, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और आनंद की चर्चा है बंदे वो। जाए सड्ढे, उनके भीतर में श्रद्धा विद्यमान थी, अथवा कोई बात उनके भीतर आई है तो पहले कहा गया उनके भीतर श्रद्धा उत्पन्न हुई। यूं तो श्रद्धा पहले भी थी लेकिन इस प्रसंग में श्रद्धा उत्पन्न हुई। जाय संशय, मन में संशय प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। जाय कौहल्ले, कौतूहल भी हुआ। कौतूहल उस आश्चर्य को कहते हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो बात सुनने और जानने के लिए आए तो कौतूहल, ये कैसे हो गया, इसका ये मतलब था क्या, इसका ये कौतूहल है कि ये बात अगर मैं भगवान से पूछूं तो भगवान इसका क्या अर्थ बताएंगे, क्या इसका भाव होगा। जिनके भीतर में ये तीन भाव आए, श्रद्धा का भाव आया, बोलना जरा क्या भाव आया, श्रद्धा का भाव आया, संशय भी आया और कौतूहल भी आया। कौतूहल भगवान के समाधान में जो होगा वो होगा, संशय जो अपन नहीं जान पाए हैं, और श्रद्धा पूछने के संदर्भ में। श्रद्धा ना हो और केवल संशय हो, श्रद्धा ना हो और केवल क्या हो, संशय हो, तो ये दोष होगा, क्योंकि सम्यक के दोष माता शंका कांक्षा वी चिकित्सा दोष आते हैं, वहां शंका दोष बताया गया। लेकिन जहां श्रद्धा होती है, श्रद्धा जहां है वहां ये दोष नहीं हुआ करता। गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, जो श्रद्धावान होगा वह ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, और जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह
अपने सही इंद्रियों पर नियंत्रण रूप आचरण को कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता है। श्रद्धा इतनी जरूरी है, मन में श्रद्धा हो और एक किसी बात का मेरी बात का कष्ट नहीं मानना। मैं अपने विषय को समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर किसी के मन में यह बात आ जाए, देखें कुछ महाराज जी जानते भी है कि नहीं जानते, अगर यूं ही सब केवल बातें बातें हैं और ये सोचने के लिए कोई आदमी परखे जैसे लगाते हैं, ऐसे लगाने के लिए पूछता है, ये दोष है। जो गुरु के प्रति ये भाव ले आया, श्रद्धा तो आई नहीं ना, यहाँ तो यह देखिए कुछ जानते भी हैं कि नहीं, कितना ज्ञान है इनका। जो यह सोच करके पूछ रहा है वह तो दोष की कमाई करने लग रहा है, वह ठीक नहीं चल रहा। श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति बनी हुई है, अंतर में भाव है, तीर्थंकरों की वाणी सत्य होती है, गुरु महान है, गुरु बताएंगे सत्य होगा, और धर्म जो हमने स्वीकार किया ये यथार्थ है। जहां ये श्रद्धा है वहां ये जो शंका है, यहाँ जो विचार है, जाए सड्ढे जाए संशय, यहाँ जो संशय है वह गुण होगा, वह उनको ज्ञान के उत्पन्न करने में, ज्ञान के लेने में सहयोगी होगा। और अगर ये भाव ना हो, गौतम की बात नहीं, उनको हाथ जोड़ के नमन करके अलग से बात कर रहे हैं, बिना श्रद्धा के अगर संशय है तो वो दोष हो जाया करता है। गौतम स्वामी के अंतर में श्रद्धा थी, गौतम स्वामी के मन में संशय हुआ किसी बात को लेकर के कि ये बात कैसे है, क्यों कर है, यह बात जो कही गई है या मैंने भगवान से सुनी थी है क्यों कर, जाए को हल्ले मैं भगवान से पूछूं, देखो फिर क्या बात बताते हैं भगवान इसके लिए, क्या तो गौतम ने पूछा और क्या भगवान ने फिर उसका समाधान किया, ये चर्चा आगे भगवती सूत्र के प्रश्नोत्तरों के रूप में आगे हम करेंगे। आज मैं कई एक बातें और चर्चाएं से कर रहा हूं, ये चर्चा को यहाँ विराम देते हुए आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आज 27 जुलाई ये तारीख है, जैसा कि तिथि पत्रकों में बताया गया और सूचना वहां पर से जारी है, और ऐसा तिथि पत्रकों में कैलेंडरों में लिखा गया कि आज श्रमण संघ के द्वितीय आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती है। आपने भी सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप जान लीजिए, आज उनके जन्म जयंती है। जन्म जयंती बंध वो महापुरुषों की जो मनाई जाती है या उसकी चर्चा की जाती है, वह एक प्रेरणा के लिए होती है। किसी ने कहा जीवन चरित्र महापुरुषों के हमें ये शिक्षा देते हैं। महापुरुष कोई भी हो, सवाल यह नहीं, महापुरुष हो चाहे वो किसी प्रदेश का हो, किसी परंपरा का हो, कहीं से संबंधित हो, जो महापुरुष हैं उनका जीवन कैसा क्यों कर होता है, जीवन चरित्र महापुरुषों के हमें ये शिक्षा देते हैं, हम भी अपना जीवन उनसा, भाइयों हम भी अपना जीवन उनसा उज्ज्वल रम्य कर सकते हैं। उनकी जीवन से शिक्षा लेकर हम भी अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं, इसीलिए महापुरुषों की चर्चा होती है। महापुरुष चाहे कोई कितना अतीत का हो, चाहे निकट अतीत का हो, चाहे वर्तमान का हो, महापुरुष महापुरुष होते हैं। चर्चा गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की हो, चर्चा गुरुदेव योगीराज की हो, चर्चा आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज की हो, चर्चा आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज की हो, किसी भी महापुरुष की चर्चा हो, उनके जीवन से कुछ प्रेरणाएं लेनी होती हैं और उन प्रेरणाओं से हम अपना जीवन उज्ज्वल बना सकते हैं, रम्य कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। शरीर परिचय तो उनका इसी रूप में और इस तरह से है कि उनका जो जन्म है वह सन
1900 में हुआ था, सन महाराष्ट्र में हुआ था, चिंचोड़ी नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम देवीचंद गोगलिया था, उनकी माता का नाम हुलासबाई था। ये उनका परिचय है, उनके शरीर का, उनके देह का। और बंधव उनका जन्म नाम नेमीचंद रखा गया था। नेमीचंद कुछ बड़े हुए, पिता का वियोग भी हुआ, और फिर जब वो 13 वर्ष के कुल उम्र में आते, उस समय उनका दर्शन करने का सौभाग्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज से हुआ। उनको सुना, उनकी बात सुनी, उनके ज्ञान की बात सुनी, 13 वर्ष की कुल उम्र उनको सुना, और वहीं से आत्मा में जागरण प्रारंभ हुआ। ये जो शब्द है ना, ये एक एक शब्द जो है वो किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या होते हैं, कहो तो बीच में अपनी बात कर लो। आप कहोगे हाँ जी जरूर सुनाओ, यही कहोगे और क्या कहोगे। हम छोटे होते थे, हम भी खेलते फिरते थे गलियों में, साधु आते थे। एक बार संत आए, और आए क्या, गुरु महाराज योगीराज जी आए थे, प्रवचन समझ में नहीं आता था। हम तो ऐसे बस 5-7-10 जने साथी मिले, दौड़ते चले गए जहां साधु ठहरे होते, प्रवचन, चलो भाई बखान। बखान क्या होता, हम क्या जाने, पर एक शब्द आज तक याद, और वो शब्द है ये मीठा प्रेम प्याला। प्रवचन के बाद में ये जरूर गाते थे, क्या गाते थे, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिए। हमें कुछ नहीं पता था क्या मामला है, इतना जरूर पता था कि प्रवचन खत्म हुआ, जय बोली, प्रसाद लिया, और गले हाँ भी प्रेम प्याला पियोगा, एक दूसरे को पूछे तू पियोगा प्रेम प्याला, प्रेम प्याला के जय, ये पता ही नहीं होता। वो उसको कहे तू पियोगा प्रेम प्याला, हाँ पियोगे जय प्रेम प्याला, होते ही आप प्रेम प्याला।